हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, कल एक वीडियो शूट की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सीटेट में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी, एक वीडियो शूट कर दी। आज हम शूट करेंगे दूसरे वाले, जो 2022 और 23 के दो शिफ्टों में पेपर हो चुके हैं उनसे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन जाने भी थे, किस तरह से क्वेश्चन पोर्टल पर उसके बारे में बताया था। आज फिर जानेंगे तो थोड़ा जानेंगे वार्तालाप के बारे में। वार्तालाप बहुत पूछा जा रहा है। अब वार्तालाप को एक बात शाब्दिक अर्थ ये होता है, अगर जाना जाए तो विचारों का आदान प्रदान। वार्तालाप को अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि वार्तालाप जो होता है वो हमें दो मनोवैज्ञानिक के आधार पर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्याजे के आधार पर। अब जो प्याजे ने जिस वार्तालाप का बात की थी वो था आत्म केंद्र वार्तालाप। आत्मकेंद्र वार्तालाप जो होता है, एक बात और समझेंगे, प्याजे से हर शिफ्ट में तीन से चार क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली वाली शिफ्ट में उसने ये पूछा था कि पहली जो अवस्था है पूछी, दूसरी वाली शिफ्ट में उसने आत्मसाथी करो ये पूछा था, और दो संवेदिगामक की अवस्था पूछी थी। अब अगर ये पूछे कि जब एक बालक, अब एक और क्वेश्चन समझेंगे, प्याजे ने ये कहा है बच्चे अपनी दुनिया का स्वयं सृजन करते हैं। एक और पूछ सकता है बच्चों को स्वयं खोजने या कार्य करने में आनंद आता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जब वार्तालाप की बात होगी और वार्तालाप में जब आत्म केंद्र वार्तालाप होगा तो किसकी बात होगी, प्याजे की। और प्याजे के जो आत्म केंद्र वार्तालाप वो होता है जिसमें एक बालक अपने स्वयं से बात करता है। अब समझेंगे थोड़ा, पुस्तक में लिख लेंगे स्वयं से बात करना। अगर जी एक बालक जो स्वयं से बात करता है उसको आत्मकेंद्रित वार्तालाप किसने माना है, जीन प्याजे ने माना। अब उसके बाद दूसरा आएगा, एक तो ये लिख दिया वार्तालाप जैसे आत्मकेंद्र वाला, दूसरा आएगा हमारा बाइगोस्की के अनुसार। अब बाइगोस्की ने जो वार्तालाप माना वो माना अहम केंद्रित वार्तालाप। अहम केंद्रित वार्तालाप क्या होता है, जब एक बालक दूसरों से बात करता है। अब बाइगोस्की में एक बात ध्यान रखना कि समाज संस्कृति सामाजिक अंतःक्रिया और विचारों का आदान प्रदान। लेकिन बाइगोस्की का एक और पूछा जा रहा है जो है ZPD यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। अगर वो ये वाला शब्द देखता है तो ये आपको बताना है जून प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट। बाइगोस्की
वार्तालाप दो प्रकार का मैंने पढ़ा है, आप समझना, एक होता आत्म केंद्रित वार्तालाप और एक होता अहम केंद्रित वार्तालाप। जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो प्याजे के अकॉर्डिंग उसको हम आत्म केंद्रित वार्तालाप कहते हैं, जिसमें एक बालक अपनी दुनिया का स्वयं निर्माण करता होता है या खोज करता होता है। बाइगोस्की की जब बात करेगा, और ये होता है जब एक बालक दूसरों से बात करता है, तो बाइगोस्की ने उस वार्तालाप को क्या नाम दिया, अहम केंद्रित वार्तालाप दिया। दोनों जीन पे बाइगोस्की कुछ कंपल्सरी क्वेश्चन 5 से 6 आ रहे हैं। अगर आपसे ये पूछे कि जब एक बालक दूसरों से बात करता है, समाज संस्कृति सामाजिक विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको क्या नाम दिया गया, अहम केंद्रित वार्तालाप नाम दिया गया। अब बाइगोस्की के कौन नाम है, जेड पीडी का सिद्धांत, जिसको हम समीपस्थ विकास का यानी जोन प्रोक्सिमेटेड डेवलपमेंट कहा जाता है। अब उसके बाद एक और की बात करेंगे हम, इधर आते हैं समझना। समावेशी शिक्षा में जब विभिन्न धर्म लिंग जाति आदि के बालक एक साथ एक ही क्लास में अध्ययन करते हैं, उसको एक नाम दिया उन्होंने, विषमांगी बालक। अब उसने क्वेश्चन अपोजिट बना थी कि जब समावेशी शिक्षा, पहले तो ये पूछता था जब एक क्लास में जब एक दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी जाति लिंग धर्म समुदाय के व्यक्ति पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाते समय एक ही साथ शिक्षण कार्य किया जाता है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। लेकिन उसने ये बोला कि जब समावेशी कक्षा में विभिन्न जाति धर्म लिंग समुदाय के बच्चे एक साथ शिक्षण कार्य करते हैं, तो उन बालकों के सौर नाम से जानते हैं, विषमांगी। विषमांगी होता है अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्तर से, अलग अलग जाति से जो बालक होते हैं वो विषम होते हैं, जिनको हम विषमांगी बालक बोलते हैं। अब एक और पूछा है कोहलबर्ग के, समझना। एक इसको पूछ रहा है जब एक बालक अपनी आदतों कौमा स्वभाव कौमा चरित्र मूल्यों आदर्शों को सुधारने या अपनाने में सक्षम नहीं होता है, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वह क्या होता है, तो हमें बताना है नैतिक दुविधा। जब एक बालक किसी समाज की रीति रिवाज कायदे कानून को नहीं अपना पा रहा और कोहलबर्ग के अनुसार उसको क्या माना जा रहा है, तो नैतिक दुविधा माना जा रहा है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट विपरीत, समझना, वो अपना लेता है तो वो कहलाएगा नैतिक तर्कराज, जो 28 दिसंबर की पहली शिफ्ट में पूछा गया। जब हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं लेकिन बनने पर मजबूर नहीं हो पा रहे और बन भी नहीं पा रहे हैं,
तो कोहलबर्ग के अनुसार उसको नैतिक दुविधा माना जाता है, लेकिन जब वे एक अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं तो विपरीत, यानी जब नहीं अपना पा रहा तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा है, लेकिन बन जाता और अच्छा एक प्राणी बनकर दिखाता है वो नैतिक तरकड़ा होती है। और इसका एक शाब्दिक अर्थ वो ये भी कह सकता है इस वाले का, अच्छे प्लस बुरे की जो समझ रखता है वो हमारा क्या कहलाता है, नैतिक तरकड़ा। यानी अगर मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, किसी कपड़े को खरीद रहे हैं, उसकी अच्छाई और बुराई कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं, इस बात का हम तर्क कर सकते हैं, वो नैतिक तरकड़ा कहलाती है। यानी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से पहले उसकी लाभ और हानि के बारे में एक छात्र एक व्यक्ति में इतनी समझ विकसित हो जाती है, कोहलबर्ग के अनुसार वो नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। जब एक व्यक्ति कुछ भी करने के लिए असंभव है, मतलब संभव ही नहीं, वो कर ही नहीं पा रहा है, कपड़े भी खरीदने आए तो बार्गेनिंग नहीं कर पाता, ये भी नहीं कह पाता कि ये सही है कि ये गलत है, वो ये भी नहीं कह पा रहा कि मुझे भूख लग रही है कि मुझे प्यास लग रही है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ नहीं, जो कुछ भी बात हो रही है उसको करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसके हिसाब से कोहलबर्ग के अनुसार से क्या बोला, नैतिक दुविधा। इधर देखेंगे वार्तालाप दो प्रकार का पड़ा है। अब यहां पर मैं दो चीजें जोड़ देता हूं, अगर प्याजी के अनुसार हम इसको जोड़ें तो हम इसको यहां पर इंट्रापर्सनल जोड़ सकते हैं। जो अंतः वैयक्तिक होती है और जिसमें व्यक्ति स्वयं से बात करता है, अगर वो इधर बात करेगा बाइगोस्की के अनुसार इस वाले को, तो इस वाले को हम बोलेंगे इंटरपर्सनल। जिसको हम अंतर्वैयक्तिक बोल सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है, अब देखो वार्तालाप जब देगा, इसको समझना मैंने ये वाली चीज लिखी, वार्तालाप का शब्द करती विचारों का आदान प्रदान है, जब इसको देगा तो किसी मनोवैज्ञानिक को टारगेट करेगा, प्याजे को टारगेट करेगा, तो हमें बताना आत्म केंद्रित वार्तालाप जब हम स्वयं से करते हैं, बाइगोस्की को टारगेट करेगा तो अहम केंद्रित वार्तालाप होता है जब हम दूसरों से बात करते हैं, लेकिन अगर इधर हट जाए तो फिर इधर थोड़ा और लेंथी पढ़ लेते हैं, दिखाई दे रहा है। हम इस वार्तालाप को दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो इसका नाम भाषा रखकर और एक नाम संप्रेषण रखकर। लेकिन अगर ये वाली बात आपसे कहे कि भारत इसका संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है और वार्तालाप का शाब्दिक अर्थ, तो वार्तालाप का शाब्दिक अर्थ विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ विचारों का आदान प्रदान, भाषा का शाब्दिक अर्थ विचारों का आदान प्रदान। लेकिन भाषा भी तीन प्रकार की होती है जो आज की वीडियो में पढ़ा देंगे, लेकिन अगर इसको हटाया संप्रेषण को देखते तो इंट्रापर्सनल, जिसमें व्यक्ति स्वयं से और भगवान से बात करता है। एक क्वेश्चन उसका कई बार पूछा गया, पिछली वाली शिफ्टों में पूछा गया, ऑफलाइन पेपर में पूछा गया, एक लीना नाम की लड़की कपड़ों की तह या प्रेस या इस्त्री करते समय वो अपने आप से बात कर रही है, तो प्याजे के अनुसार वो क्या कर रही है, तो पहला ऑप्शन देगा वो अहम केंद्रित, बच्चा 90% स्कूल गया, लेकिन तीसरा ऑप्शन होगा आत्म केंद्रित, यानी जब हम स्वयं से बात करते हैं तो आत्म केंद्रित कहलाता है, जब हम दूसरों से बात करते हैं। देखो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूं कि जब प्याजी और बाइगोस्की का नाम लेगा तो वार्तालाप इनमें से कोई एक आएगा, अगर इनका नाम नहीं ले रहा है तो इंट्रा या इंटरपर्सनल आएगा, और ये नहीं आ रहा तो विचारों का आदान संप्रेषण और भाषा। इधर आते हैं समावेशी शिक्षा, अब थोड़ा लेंथी और बना रहा, थोड़ा समझ में बता रहा है, पहले वो इस समावेश शिक्षा पूछा था कि जब किसी जाति धर्म लिंग समुदाय का उसको ध्यान में रखे बिना जो भी हो जुड़े उसको क्या बोलते हैं समय, लेकिन अब उसने समावेशी शिक्षा को एक क्वेश्चन बना दिया है और ये पूछा कि ये कौन से बालक कहलाएंगे, जब एक क्लास में विभिन्न जाति धर्म लिंग समुदाय और समूह के जो व्यक्ति रहते हैं और एक साथ पढ़ते हैं
तो अलग अलग क्षमताओं के रहते उनको नाम दिया गया है विषमांगी बालक। समांगी बालक वो बालक होते हैं जो एक ही बिल्कुल हो, एक ही स्तर से और एक ही उद्देश्य के हों, और विषमांगी बालक वो होते हैं जिनका अलग अलग अपना हो। अब जब एक बालक अपनी आत्म स्वच्छ रहता है उस धारने में समय सक्षम नहीं होता, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा, उसको कोहलबर्ग के नैतिक दुविधा बोला गया, और जो सही और गलत में फर्क समझ ले उसको नैतिक तरकड़ा बोला गया है, अच्छे और बुरे की समझ। अब एक और बात तो आती है, अगर यहीं पर मैं एक उसको अवस्था को डिफाइन कर दूं कोहलबर्ग की, कोहलबर्ग की अवस्था को, तो एक अवस्था आएगी अच्छा लड़का या लड़की अभिमुक्त, वो दंड तथा आज्ञा पालन वाला है, मैं अभी बता रहा हूं, ये वाला जो होगा वो स्वयं से होगा। हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जब आप खुद प्रूफ होंगे तो मम्मी पापा को गर्व होगा, तभी तो हम अच्छा लड़का लड़की बनकर दिखाएंगे। अब मान लेते आपको किसी समाज को सुधारने के लिए भी आप में एक इतनी अहमियत नहीं है, तो दुविधा तो उत्पन्न होगी, तो क्या आप अच्छा लड़की लड़का बन पाएंगे? लेकिन जब आपको अच्छे और बुरे की समझ हो रही है तो कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था आती है? अच्छा लड़का या लड़की अभिमुक्त। क्लियर है? साफ कर दे, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद दो चीज और पढ़ रहा है, वो निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी इन दोनों से क्वेश्चन पुटअप करेगा तो पहले वो या तो गणित लगा देगा या पर्यावरण लगा देगा या हिंदी लगा देगा या संस्कृत लगा देगा या अंग्रेजी। अब समझना, इन सबको बस ये समझना है कि जब एक अध्यापक यानी एक गणित का अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय निदानात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करना चाह रहा है तो वो करना क्या चाह रहा है, तो पहला वाला देखेंगे, कमजोरियों को जानने का प्रयास करता है। अगर मैं मान लेता हूं मैं गणित पढ़ा रहा हूं या ईवीएस पढ़ा रहा हूं या हिंदी पढ़ा रहा हूं या संस्कृत पढ़ा रहा हूं या अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे पढ़ाते समय मान लेते हो मैं पाता हूं अपने गणित विषय में एक बालक बार बार फेल हो रहा है, यानी बार बार वो अच्छे नंबर ला ही नहीं रहा, या फिर एक बालक बार बार जोड़ को गलत कर रहा है, अगर मैंने उससे कहा 35+4 वो बार बार इसको 38 लिख रहा है, यानी कुछ भी मैथ में सिखाऊं वो बार बार उसको गलत लिख रहा है,
इस गलत को जानने के लिए एक गणित के अध्यापक को क्या करना है, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी इसकी बात होगी तो कमजोरियों का पता लगाया जाएगा, यानी जानने की कोशिश की जाएगी। समझना क्या है, अब सब्जेक्ट कोई सा भी लगा सकता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ एक ही रहेगा कि समस्या या कारणों को या कमजोरियों को जानना। अगर वो उपचारात्मक की बात करेगा एक अध्यापक, कमजोरी का पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। यानी जब हम किसी समस्या कारण को पता लगा लेंगे कि ये बालक गणित में फेल क्यों हो रहा है, उसे पर्यावरण की समझ क्यों नहीं है, हिंदी नहीं बोल पा रहा, ये जानकर जब उसे दूर करेंगे तो कौन सा होगा। देखो बस इसको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर दूर करेंगे, इन दोनों में से 100% प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब समझना क्या है, समस्या का पता लगाए निदानात्मक, समस्या को पता लगाकर दूर करे उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। अब एक और बात ध्यान रखते हैं, यहां पर आते हैं, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है रचनात्मक या सृजनात्मक मूल्यांकन। इसके साथ में एक और आता है योगात्मक, इन दोनों में से एक हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। आप समझते हैं इसमें ऐसे लिखना, यह शिक्षण कार्य करते समय बीच बीच में होता है, जिससे एक अध्यापक और प्लस छात्र के व्यवहार में संशोधन किया जा सके। समझ, अब इसका क्वेश्चन वो बना के कैसे दे रहा है, नोट डाल के जो लिख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन में आ रहा है, जब एक अध्यापक को किसी छात्र की शैक्षिक प्रगति का पता लगाना है, तो वह किस मूल्यांकन का प्रयोग करेगा, तो हमें बताना है रचनात्मक या सृजनात्मक मूल्यांकन का। अब इसके साथ में एक और पूछ रहा है, वो योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन। देखो
जब हम इसकी बात करेंगे तो हमें सिर्फ एक तो सरकार याद रखनी है, कौमा सत्र के अंत, रैंक, ग्रेड, उपलब्धि, पास, फेल। जब भी संकलनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन की बात करी तो सरकार, सत्र के अंत, पास या फेल, छात्रों को रैंक, ग्रेड और उपलब्धि या ग्रेडिंग सिस्टम में बात करना, वो कौन सा कहलाता? हमारा ये कहलाता। लेकिन अब एक और बढ़ गया है जो पहले सेप्टर में पूछा गया है, स्व आकलन। अब देखो, जब भी वो इसका एग्जांपल देता है कि जब हमें किसी एक छात्र की शैक्षिक प्रगति, अगर वो छात्र छोड़कर वो एक नाम दे देना कि मान लेते हैं एक रमा नाम की लड़की की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना है, तो पहला ऑप्शन स्व आकलन होगा। राइट आंसर स्व आकलन लगा देते, ध्यान में रखना इसको। और इसको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना है, समझना ये वाला जो मूल्यांकन है ये कौन कर रहा है, और कहां पर कर रहा है, ध्यान में रखना। जब वो इस मूल्यांकन की बात करेगा तो टीचर करेगा और क्लास में करेगा, लेकिन जब स्व आकलन की बात करेगा तो स्वयं या खुद जो व्यक्ति यानी अगर मान लेते मुझे अपना आकलन करना है कि भाई मेरा सीटेट पास न होने का मेन कारण क्या है, तो मैं चुपचाप बैठकर अपने मंथन को जारी रखूं, मौन वाचन करूं कि ऐसी कौन सी कमी है जो मेरा सीटेट पास नहीं हो पा रहा है, ये कौन से मूल्यांकन आकलन में आएगा, सुन, जहां पर क्लास के बीच में किया जा रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लेते अभी मैंने आपको 25 मिनट पढ़ा दिया, फिर उसके बाद 2 मिनट रुककर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कौन सा मूल्यांकन है। अब उसमें से 4 बच्चों ने एग्जाम्पल दिए और 2 ने नहीं दिए, फिर 2 अपने आपसे पूछे कि भैया मेरे से समझ में क्यों नहीं आ रहा, इन 4 बच्चों को क्यों समझ में आ रहा है, जो मैं पूछ रहा था कौन सा था, रचना। जब 2 बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे थे और वो खुद मंथन कर रहे थे कि इनको बड़ी जल्दी याद हो जाता, हमें याद न होने का मेन कारण क्या है, कौन सा है। अब इसका एक और नाम अलग रख देते हैं, ये होता है सीखने के रूप में आकलन। ये दोनों कैसे हैं, सेम है, स्व आकलन और सीखने के रूप में जो आकलन है, वो दोनों और समझेंगे कैसे। एक व्यक्ति या छात्र अपना स्वयं आकलन करता है। अब समझेंगे, कल वाला क्या होता है, कल एक प्रैक्टिस सेट करती हैं तो प्रैक्टिस सेट में वो ये कहता है कि एक छात्र जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है तो वो किस मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहेगा। अगर उनसे पूछा है कि इन तीनों में से देखते हैं, जब एक छात्र जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है तो वो उस प्रयोग का आकलन करने के लिए कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करेगा, लॉक कर दे, स्व का होगा। जब एक छात्र जीव विज्ञान की लैब में प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग को जानने के लिए कि ये प्रयोग सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, 1, 2, 3 कौन सा होगा, स्व वाला कौन सा होगा,
सो, अच्छा ये सो वाला, यानी ये दोनों सेम है, कौन सा होगा? सो, हाँ पीछे कौन सा होगा? हाँ स्वाकलन, हाँ। अब दिमाग को एक ढक्कन को खोलें, ये स्व आकलन हो रहा है कि विज्ञान का प्रयोग का आकलन हो रहा है? अपने स्वयं मन का अध्ययन कर रहा था, प्रयोग का आकलन कर रहा था, तो फिर स्व कैसे आ गया, स्व कैसे आ गया? जबकि मैंने आपको एक बात ये बताई है कि ये वाला कहां पर होगा, जब एक अध्यापक छात्र के व्यवहार में शिक्षण कार्य करते समय, तो प्रयोग जो करे वो शिक्षण कार्य करे कि अपने व्यवहार को स्वयं को अध्ययन कर रहे हैं, मगलन कर, कहां दिमाग है? पहला ऑप्शन ही वो इसको रखता है, कहां पर है आंसर? इतना ध्यान रखना कि जब मैं अपने अंदर की कमी को जानूं और स्वयं के द्वारा, कौन सा होगा? जब प्रयोग कर रहा है तो कौन सा कार्य हो रहा है, और जब बीच बीच में हो रहा है तो कौन सा होगा, और डायरेक्ट प्रयोग खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल होगा, कौन सा होगा? कि भैया मेरे तो 20 अंक 12 नंबर आए और इनके 20 अंक तो 19 नंबर आए, कौन दे वो 20 नंबर में तो 12 पास या फेल, यही तो करा रहा है, लेकिन चेक कर रहे ना अभी कि प्रयोग सही है रो गलत है रो, सो कहां से हो गया, कहां का साफ कर दे, क्लियर समझ में आ गया पूरा, क्लियर है? अब समझना, देखो ना बातें कम किया करें, यहां पर 100% 5 के 5 क्वेश्चन आएंगे, हर शिफ्ट में आएंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम गणित की, दूसरी बात करते हैं हम भाषा की, तीसरी जो बात करते हैं हम करते हैं पर्यावरण की, और नेक्स्ट बात करते हैं हम संस्कृत की, और एक और बात करेंगे हम व्याकरण की। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए। अब बात क्या होती है कि मान लेते हैं हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, और प्राथमिक स्तर पर एक छात्र को गणित सिखाना है, प्राथमिक स्तर पर एक छात्र को भाषा सिखानी है, प्राथमिक स्तर पर एक छात्र को पर्यावरण सिखाना है, प्राथमिक स्तर पर एक छात्र को संस्कृत सिखानी है, और प्राथमिक स्तर पर एक छात्र को व्याकरण सिखाने का मेन उद्देश्य क्या, बस इतना बनेगा। अब बात यहां पर ये होती है, सबसे पहले हम गणित की बात करें, प्राथमिक स्तर पर एक बालक को गणित सिखाने के लिए गणित का शिक्षण कार्य छात्र के वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ना चाहिए? दैनिक जीवन से जुड़ना। अब दूसरे की बात करते हैं, भाषा का गणित, अगर हम भाषा का विकास करना चाहते हैं
तो पहला ऑप्शन वो देगा भाषा प्रयोग के विभेद अवसर, और एक और देगा विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता यानी विचार अभिव्यक्ति। दोनों शिफ्टों में पहला वाला ऑप्शन पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक बच्चों को भाषा सिखाना चाहता है तो क्या करेगा, तो जिस ऑप्शन में भाषा प्रयोग के विविध अवसर था राइट आंसर वो था। पर्यावरण की बात करें हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण एक बालक के वास्तविक जीवन दैनिक जीवन घर के आसपास के वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर, ये वाला दोनों शिफ्ट में पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर एक बालक को हमें पर्यावरण सिखाना तो क्या होना चाहिए, या तो वास्तविक जीवन या दैनिक जीवन या आसपास के वातावरण से, लेकिन एक और पूछा जा रहा है। अब इसमें जो पर्यावरण पढ़ाएंगे तो हम चलेंगे स्थानीय से वैश्विक की ओर। अगर ये ना पूछे तो फिर बताना प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यानी जब हम एक बालक को पर्यावरण सिखा रहे हैं तो अभी उसे हमें दूर नहीं ले जाना है, वास्तविक जीवन दैनिक जीवन घर के आसपास के वातावरण से संबंधित जो कुछ भी वस्तु उसने देखी है राइट आंसर वो लगाना है। लेकिन एक क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हम किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे पर्यावरण सिखाने के लिए। तो अभी तक जो दो शिफ्टों में पूछा गया वो स्थानीय से वैश्विक की ओर होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष नहीं पूछा गया। लेकिन स्थानीय से वैश्विक होता क्या है कि स्थानीय का मतलब ये होता है कि जहां पर वो रह रहा है फिर वहां से कहां तक ले जाना है, विश्व तक ले जाना है। अगर पहले पर्यावरण के बारे में जानकारी देंगे तो पहले उसके आसपास घर के आसपास जिस जगह स्थान पर रह रहा है जो पेड़ पौधे होंगे जो जीव जंतु होंगे जो कुछ भी घर होंगे उनके बारे में अवगत कराएंगे, फिर धीरे धीरे करके तहसील पर जिला पर स्टेट पर राष्ट्रीय पर अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व लेवल पर ले जाएंगे। उसके बाद अगर ये पूछे कि सबसे इफेक्टिव पूर्ण बनाना है तो पाठ्यक्रम पहले सॉरी पर्यावरण पहले हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है अगर यहाँ पर दो चीज होगी इन दोनों को एक नाम दे दिया जाए तो एक नाम होता क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पर्यावरण बालक सीखेगा वो क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखेगा। अब आता है संस्कृत। संस्कृत वाला जो भी राइट आंसर होगा तुरंत बिल्कुल सेम भाषा जैसा होगा। एक बालक को हमें संस्कृत भाषा का विकास करना है तो भाषा प्रयोग के विविध अवसर देने और विचार अभिव्यक्ति देनी है। क्लियर, यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उन सबका सेम विकास होता है। अब बात आती है व्याकरण की कि व्याकरण को क्यों लाया गया, तो 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ उसमें यह पूछा गया है कि भाषा को क्रमबद्ध व्यवस्थित सार्थक रूप प्रदान करने के लिए किसको लाया गया, व्याकरण को लाया गया। यानी पांच पॉइंट लेकर पांचों के पांच होते समझे।
अगर ये पूछे कि प्राथमिक स्तर पर गणित कैसा होना चाहिए, तो बालक के दैनिक जीवन, वास्तविक जीवन और उससे जुड़ा होना चाहिए। वास्तविक जीवन और दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। भाषा की बात करें तो भाषा प्रयोग के विविध अवसर देने चाहिए। या विचार व्यक्ति अभिव्यक्ति का मीन्स होता है विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता। अगर वो इसकी बात कर रहा है प्राथमिक सब, तो भी यहां पर वास्तविक जीवन लगाना है, आसपास का वातावरण लगाना है या दैनिक जीवन लगाना है। अगर ये पूछे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण कैसे होना चाहिए, तो हमें बताना है स्थानीय से विश्व की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगर ये भी ना पूछे तो हमें ये बताना कि पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर किस तरह से सिखाना है, क्षेत्र भ्रमण। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो व्याकरण को लाया गया, तो भाषा को सही मार्ग पर लाने के लिए, क्रमबद्ध रूप देने के लिए और अच्छा और सार्थक रूप देने के लिए किसको लाया गया ये। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये और आता है, शायद मैंने कल वाली वीडियो में बताया होगा आपको, भाषा से संबंधित, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उसको माना जाता ध्वनि। ध्वनि मानते हैं, सही बात है ये, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। लग कर दे, हाँ ना पता, शब्द माना है भाषा की सबसे छोटी का, क्या माना जाता है, डायरेक्ट नाम ही ले गो बिल्कुल, शब्द का माना जाएगा। अच्छा ध्वनि पहले आया कि वर्ड पहले आया कि शब्द पहले आया, अच्छा पहले ध्वनि, वर्ड कौन बोले, अच्छा पहले ध्वनि आई कि वर्ड आयो। लॉक कर दे, ध्वनि लॉक कर दे, हाँ पेपर दे जा रहे जी, 9 तारीख को ये कभी ध्वनि को देने में थे, और फिर 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, ध्वनि है कि बढ़ आयो जे ही ना पता पड़ रही का बताना है। सबसे छोटी गाय किसको माना गया, लेकिन गूगल बाबा ने एक और इसका नाम रख दिया है स्वनिम। स्वनिम यानी जब एक बालक किसी भी भाषा को बोलता है तो सबसे पहले जो उसके मुंह से जो निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि। अब इस ध्वनि को जो आकार दिया गया है, आकार या रूप जो दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा अक्षर और वर्ड अलग अलग है, एक है वर्ड, किसे बोलती है, एक वर्ड का नाम बता दें, एक वर्ड का नाम, मम्मा नाम बोल दिया तो माँ बोला उसने, तो माँ हमने एक आकार रूप दे दिया, अब इसको क्या नाम लिखूं, हम वो बोल देंगे, लेकिन हम भी हम माँ लिखा तो उसको अक्षर लिखू बड़ लिखू, चलो कोई बात नहीं, इसको हमने क्या लिख दिया, वर्ड। अब अक्षर किसे बोलते हैं, जो मिला के बनता का, जो दो अक्षरों को मिला के बनता है, देख रहे हो, अब एक वो ट्रेंड चल रहा है ना, देख रहे हो ना विनोद, ये देख रहे हो ना, हाँ अक्षर और बड़ अलग अलग है, एक है, दिमाग को ना ठिकाने पर रखो, बड़ और अक्षर एक ही है, दो बड़ मिलकर किसका वो करते हैं, शब्द को, शब्द और शब्द मिलकर किस करते हैं, अच्छा वाक्य पहले आवे को उपवाक्य पहले आवे को, ना कछु ना, वर्ण या अक्षर होता है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन गूगल बाबा ने इसको नाम दे दिया गया है रूपिम। क्या नाम दे दिया गया, अब उसने पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि या स्वनिम। स्वनिम जब हम किसी स्वर को बुलाते हैं
कोई भी ऐसी ध्वनि निकले उसको गूगल बाबा ने सोनिया नाम दिया है, और उस ध्वनि को आकार या कोई रूप दिया गया है। मान लेते उसने माँ बोला तो उसको कौन सा माँ दे दिया, ये वाला आकार दे दिया। इसको बड़े अक्षर नाम जो दिया है ये किसने दिया है, व्याकरण ने दिया है। और उसका दूसरा नाम हमने क्या लिख दिया है, अब बात यह आती कि प्राथमिक स्तर पर एक बालक, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि एक वर्ष का बालक सबसे पहले किसका प्रयोग करना सीखेगा, तो स्वनिम का रूपिम का स्वनिम, तो ये आती है सबसे पहले। और फिर उसके बाद क्लियर है, जब पहले ध्वनि को कोई आकार देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा। अब उसके बाद तीन और पूछे, जो पहले ग्रामोफोन पूछ रहा तो इधर लिख लेना इसको, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। वो ये भी पूछ सकता है कि स्वर लोप क्या होता है। जब उसने ग्रामोफोन पूछ लिया है तो किसी न किसी शिफ्ट में ये वाला 100% पूछा जाएगा। स्वर लोप में क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जब एक छात्र इसमें क्या होगा, जब एक छात्र परमात्मा को परमात्मा क्षत्रिय को क्षत्रिय दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है स्वर भक्ति, इसमें क्या कर रहा है वो, विजेंद्र का ब्रजेंद्र नरेंद्र का नरेंद्र। अब एक और पूछ रहा है वो, स्वरागम को क्या कह रहा है, स्वरागम को कह रहा है कि स्नान को अस्नान और स्कूल को ई स्कूल। बस इतना ध्यान में रखना है कि वो ये जो एग्जाम्पल बना के देगा कि जब एक अध्यापक अपनी क्लास शिक्षण कार्य करता है तो एक छात्र परमात्मा को परमात्मा छत्री को छत्री बोलता है, तो वो क्या कर रहा है। देखो समझना क्या है, जब किसी सही शब्द को एक बालक छोटा करके बोले, लोप मींस क्या होता है, गायब होना। परमात्मा को कछु शब्द खा गयो, का बोल दिया परमात्मा, छत्री को छत्री, भक्ति मीन्स बड़ा चढ़ा करो ना। जब विजेंद्र के तीन शब्द ने पांच नम बोले, तीन शब्द ने फिर पांच नम बोले, और इसमें चार शब्द ने तीन नम बोले। अब स्वरागम में क्या होता है कि किसी स्वर का आगे लग जाना, किसी शब्द के आगे स्वर का लग जाना, स्नान को स्नान बोले, स्कूल को ई स्कूल बोले, कौन सा कहलाता, ये कहलाता। अगर ये पूछे तो ये समझना है, और इनमें से कंपलसरी एक आएगा ही आएगा। साफ कर दे इसको, साफ कर दे। एक क्वेश्चन और उसका पुट पूरा है, स्केल फोल्डिंग, स्केल फोल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है, पाड़ या ढांचा। इसका दूसरा नाम लिख लेंगे पाड़
या ढांचा। अच्छा एक और नाम और होता है इसका, मचान। अब ये होता क्या है, देखो जब एक अध्यापक द्वारा किसी छात्र को मात्र कुछ केवल थोड़ा सा अस्थायी सहयोग देना, जिससे वह सही रास्ते पर आ सके। अब उसके बाद आता है एक और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का दूसरा नाम क्या होता है? पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। इसका एक और नाम होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का एक और नाम होता है अभिलेख। इसका एक लाइन में देखेंगे एक छात्र की शैक्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा रखना। अब इसको दो भागों में बांटा गया दोस्तों। एक होता कम्युलेटिव, और एक होता एनकेडोटल। ये वाला जो रिकॉर्ड होता है सेम ये वाला होता है, यानी किसी छात्र की शैक्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए वो पोर्टफोलियो कहलाता है। एनकेडोटल में क्या होता है, इसमें एक छात्र की शैक्षिक प्रगति में से सार्थक घटनाओं को एकत्र करके रखना, वो हमारा कौन सा कहलाता है, एनके टोटल रिकॉर्ड कहलाता है। अब एक और आ रहा स्थानन मूल्यांकन। इसको पहले मैं लिखता हूं फिर समझ में आएगा। इस मूल्यांकन में एक छात्र की
किसी समूह या क्लास में वास्तविक स्थिति जानने के लिए या उस समूह में या क्लास में वह किस स्थान पर है, जैसे तब और समझ में आएगा, जैसे देखेंगे तो दिखाई दे रहा है, जैसे बीएड की एंट्रेंस एग्जाम में एक छात्र की रैंक को जानना, समझना। ये मैंने थोड़ा अपनी भाषा में लिखा है। स्केल फोल्डिंग क्या होता है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को सहारा देते हैं कि वो गलत रास्ते पर न चला जाए, जिसको पार ढांचा या मचान कहते हैं, यानी जो शैशवावस्था होती है वो एक तरह से नींव रखी जाती है। अगर वो नींव अच्छी रखी गई तो उस पर इमारत अच्छी खड़ी हुई, अगर नींव खोखली रखी गई तो इमारत बिल्कुल डगमगाती रहेगी। उसको मैंने बताया, जब एक अध्यापक द्वारा किसी छात्र को, देखो समझना, मात्र कुछ केवल और थोड़ा सा अस्थायी सहयोग दिया जाता है। अगर आपको सीटेट पास, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको थोड़ी बहुत में ज़्यादा समझ में आए, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा आपको। जैसे स्केल फोल्डिंग मैंने थोड़ी देर में बता दिया, पोर्टफोलियो मैंने दो लाइन में बता दिया, अगर इसको डिटेल में पढ़ाएं तो स्केल फोल्डिंग नहीं होती। यानी थोड़ा बहुत सहारा देना अस्थायी होगा, लेकिन इसको ध्यान में रखना कैसा होगा, अस्थायी। अस्थायी जो सहारा दिया जाता है उसको CBSE ने सीटेट में स्केल फोल्डिंग पार ढांचे मचान कहा गया है, जिससे वह सही रास्ते पर आ सके। मैं आपको भी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि जब आपने पूरे 6 महीने पढ़ा, उसके बाद जो आपको याद ही रखना है वो ये वाला याद रखना है, जिससे आप सही रास्ते पर चला कर अपना सीटेट पास कर लें। पोर्टफोलियो का आपको ये समझना है कि इसमें हम कर क्या रहे, एक छात्र की शैक्षिक प्रगति का रख रहे, लेखा जोखा रख रहे। अब पोर्टफोलियो को हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं और अवलेख भी बोल सकते हैं, यानी 1, 2 और 3, इन तीनों का शाब्दिक अर्थ है कि आपने किसी स्कूल में क्या क्या अर्जित किया है, कौन कौन से पार्टिसिपेट किए, उन सब का एक रिकॉर्ड लेकर जो कर रखना, वो हमारा पोर्टफोलियो है। लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया, एक होता कम्युलेटिव और एक होता एनेक्डोटल। कम्युलेटिव टोटल शैक्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, समझेंगे थोड़ा इसको। मान लेते हैं ये एक विद्यालय है, इस विद्यालय में एंट्री होने वाली और यहां पर एग्जिट होने वाली है। अब इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेट हुए उन सबको एक फाइल में बना के रखना, वो पोर्टफोलियो, रिकॉर्ड, अवलेख या कम्युलेटिव कहलाता है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन से संबंधित, सार्थक घटना है। अगर आपको ये वाला शब्द दिखाई देता है सार्थक घटना है, तो कौन सा लगाना हमें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड लगाना। निम्नलिखित में से वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें एक छात्र की शैक्षिक प्रगति में से एक बालक के जीवन से संबंधित सार्थक घटनाओं को एकत्र करके रखा जाता है, एनेक्डोटल, जो मैंने यहां पर भी लिखा है। अगर वो स्थानन मूल्यांकन की बात करे, और इसका एक दूसरा नाम भी दे सकता है पद स्थापन मूल्यांकन, पद स्थानन मूल्यांकन। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या, मान लेते हैं सीटेट में सब लोग दे रहे हैं, ऑल ओवर मान लेते हैं, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, 10 लाख व्यक्ति सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं,
अब ये जो 10 लाख व्यक्ति दे रहे हैं, अब इस 10 लाख में से पास मान लेते 5 लाख हो गए। अब इन 5 लाख में जो पहला टॉपर होगा उसको जानने के लिए हम कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, स्थानन मूल्यांकन का। बात ये नहीं कि 5 लाख पास हो गए, इससे नहीं। अब 5 लाख में आपकी कौन सी रैंक आई है, 4 लाख 9 लाख ये वाली आई है, 4 लाख 999 वाली आई है, 3 लाख वाली आई है, या पहली आई है। अब मैंने क्या लिखा है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में एक छात्र की रैंक को जानना। मान लेते बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया 100 व्यक्ति ने, पास कितने हुए 90 में से आपकी कौन सी रैंक आई है 79। ये 79 वाली रैंक जानने के लिए हमें कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि रचनात्मक को आप लगा दें। मैंने आपको एक रचनात्मक पढ़ाया, एक योगात्मक पढ़ाया, एक स्व पढ़ाया और स्थानन पढ़ाया। सीखने के लिए सीखने का, सीखने के लिए भी मैंने पढ़ा दूंगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें पढ़ा दूंगा। क्लियर आज के, ये था आज का दोस्तों जो सीटेट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरी पूरी कोशिश है आपको सरल भाषा में समझाने की, जिससे आपका सीटेट पास हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।